अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे भाई जो है ना बढ़िया होंगे। एक और फ्रेश व्लॉग शुरुआत हो चुकी है। आज हम व्लॉग की स्टार्टिंग जो है ना वो बारिश में कर रहे हैं। भाई बारिश हो रही है बहुत खतरनाक, एंड यहाँ पे लगी अपनी क्रेजी मशीन। ना भाई मुझे रेस्ट करना था, बट मैंने सोचा व्लॉग बनाते हैं, बिकॉज कल भी मैंने व्लॉग नहीं डाला। मैं इस चीज में गैप नहीं देना चाहता, मैं अपनी जगह पे सोचता हूँ ना भाई मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूं। मैं ना कश्मीर में स्नोफॉल में राइड्स करता हूँ, लेकिन आज बारिश हो रही है, मैंने सोचा बारिश में भी हम जाते हैं, आप सबके लिए एक अच्छा सा व्लॉग बनाते हैं, छोटा सा ही राइड करके आएंगे, एंड मुझे कुछ चीजें आप सबके साथ शेयर करनी है। आपको बताऊँ कल या परसों जो है ना इंशाल्लाह मैं जम्मू जा रहा हूँ, तो सभी अपने भाई बोलते हैं ना भाई जल्दी से आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे हम साथ में राइड्स करते हैं, फिर वहां से हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। अपनी मशीन जो है ना बारिश में बहुत क्रेजी लगती है, लाइट कम होती है ना तब ये ज्यादा चमकती है। सभी बंदे ना अपनी जगह पे सोच रहे होंगे भाई ये बंदा आज मोटो व्लॉगिंग सेटअप पहन के व्लॉग स्टार्टिंग क्यों कर रहा है। तो आपको पता है मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप जो है ना पूरा खराब हो गया था, आज मैंने सारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप ठीक किया। तो मैंने सोचा यार सबसे पहले ना एक मोटो व्लॉगिंग करते हैं बारिश में। माइक जो है ना हमने नई ली, एंड बहुत अच्छी आवाज आ रही है। इसकी टेस्टिंग जो है ना मैंने 50 बार की, बिकॉज मेरे साथ सीन होता था जब मैं राइड पे जाता था ना, तो उसके बाद मैं क्लिप्स घर में चेक करता था, भाई उनमें आवाज नहीं होती थी, ठीक है ना। तो आज मैंने 50 बार टेस्टिंग की, उसके बाद ही मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे कपड़े जो है ना यहीं पे गीले हो चुके हैं, मुझे पता नहीं आगे मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। स्टार्टिंग जो है ना वो हम बारिश में करते हैं, एंड काफी मजा आ रहा है भाई। मौसम खराब है, मैं नहीं चाहता मैं ब्रेक दूं, ठीक है, मैंने सोचा व्लॉग बनाते हैं आप सबके लिए। मेरे कपड़ों की हालत भी खराब होनी है, मेरी बाइक की हालत भी खराब हो जाएगी। अपने पास माइक आई ना, मैंने सोचा पहले मोटो व्लॉग करते हैं, बारिश हो कुछ भी हो लेकिन हम जाएंगे भाई राइड पे। मुझे ना बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई आप ना कश्मीर को छोड़ो, आप जम्मू में रहो, वहाँ व्लॉग्स वगैरह बनाओ, वहाँ पे आपकी चैनल का रीच जो है ना काफी अच्छा रहता है। चाहता हूँ भाई मैं कश्मीर में रहूँ, यहाँ पे मैं व्लॉग्स कर। मोटो व्लॉगिंग एक ऐसी चीज है, अगर मैं इस फील्ड में अच्छे से ग्रो हो जाऊंगा ना, तो मेरे साथ जितने भी भाई राइड्स करेंगे ना वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो मेरा ये सपना भी है कि भाई मेरा इस चीज में बहुत आगे जाऊँ, फिर मैं अपने सारे भाइयों को ना टॉप पे लेकर आऊँ, ये मेरा सपना है। एंड इसलिए भाई ये मेहनत जो है ना उसी सपने के लिए चल रही है। मैं जितने भी भाई है ना जिनको दिक्कत आती है यहाँ पे बाइक चलाने में, उन सब के लिए मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आगे जाऊँ इस चीज में, उनको भी अपने साथ आगे लेके जाऊँ। कश्मीर में बहुत सारे व्लॉगर्स जो है ना जो मेहनत करते थे, व्लॉग्स बनाते थे, बाइकर भाई थे अपने, बट उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई ना, उन बेचारों ने फिर ये चीज ना लीव ही की। जब आपको रोज दिक्कत आएगी ना भाई बंदा हार जाता है, ठीक है, वो थक जाता है इस चीज की वजह से। तो आप लोग को ना यकीन नहीं होगा भाई, आप मेरा हंसता हुआ चेहरा देखते हो, कश्मीर में मोटो व्लॉगिंग के चक्कर में मुझे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। वो चीजें ना मैंने कभी शेयर नहीं की, बट इन फ्यूचर मैं करूंगा। मैं सारों की पोल जो है ना खोलने वाला हूँ एक एक करके, मैं किसी को भी नहीं बख्शने वाला। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है ना उनके मुंह पे मैं बताऊंगा कि भाई तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया। मोटो व्लॉगिंग जो है ना इसको इंशाल्लाह कश्मीर में टॉप पे लेके आऊंगा। मोटो व्लॉगिंग एक ऐसी चीज है, अगर इसमें एक बंदा ग्रो होता है ना, साथ में जितने भी राइडर्स है, जितने भी भाई मेरे साथ आएंगे ना, वो सारे ग्रो हो जाएंगे। भाई कंटेंट बनाने हमें बाहर जाना होता है, घर से बाहर निकलते हैं, वर्क्स बनाते हैं, अब हमारे साथ भाई आ सकते हैं, हमारे साथ बहुत बंदे राइड कर सकते हैं जो अपना व्लॉग बनाएंगे। मैं ना बहुत सारे भाइयों को ना फायदा होने वाला है, हमारे भाई जो है ना वो ड्रग्स की ओर कम जाएंगे, अब सबको रोजगार होगा, सबके पास अच्छी अच्छी बाइक्स होगी, सब अपने काम के साथ बिजी होंगे, व्लॉग्स बनाने हैं, मेहनत करनी है, आज सोसाइटी में ना काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज से। तो भाई इतनी बातें काफी आप समझ चुके होंगे, क्या बोलना चाहता हूँ आप सबको, सपोर्ट करो भर के, ठीक है ना। हम आगे जाए तो साथ में हम सारे भाइयों को आगे लेके जाएंगे। मेरा सपना है मैं कश्मीर में ग्रो हो जाऊं, एंड साथ साथ ना अपने सारे भाइयों को ग्रो करूं साथ में। बाकी मैं आपको बताऊं जो कंट्रोवर्सी हमारी चल रही है ना भाई, मैं आपको बताऊं कुछ बंदे जो है ना प्रो राइडर के घर जाने वाले हैं, वो बता रहे हैं कि भाई हम प्रो राइडर के घर जाएंगे। तो गाइस ये चीज अपने को पता है कि भाई जब हमारे अगस्त भाई जिंदा थे ना, वो किसके साथ थे, वो किसके साथ राइड्स पे गए थे, एंड उसने किन बंदों को इनकार किया था मिलने से, वो सबको पता है। सभी बंदे जो है ना प्रो राइडर भाई को लेकर आमिर को टारगेट करते हैं, सबको पता था भाई कैसे क्या सिस्टम हुआ था सारा, तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। अगर अगस्त भाई जिंदा होते हैं ना वो आमिर के साथ होते हैं, वो आपके साथ नहीं होते। तो उसने अपने टाइम में डिसाइड किया था कि मुझे किन बंदों के साथ रहना है, मुझे किन के साथ राइड करना है। तो आज आप जाओगे ना, आप नारे लगाओगे, आप कुछ भी करोगे, कोई फायदा ही नहीं है। बारिश हो रही है, लोग सोच रहे हैं पागल है, लेकिन उनको बता दिया मैं अपने सपने जो है ना हकीकत बना रहा हूँ। तो गाइस आज ना मैं राइड पे इसलिए निकला बिकॉज यहाँ पे वेदर जो है ना 2-3 दिन तक खराब है, एंड 2-3 दिन तक कंटिन्यू बारिश होगी, फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाता। कि हमने मीटअप का प्लान किया था, बट यहाँ पे वेदर जो है ना काफी ज्यादा खराब है, मीटअप हम नहीं कर सकते बिकॉज मेरे भाई जो है ना दूर दूर से आएंगे, उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी। इस बारिश में आपको बताया उतना मजा नहीं आता राइड करने में, बट जो मजा धूप में आता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। चुके भाई घर, मैं आपको अपनी हालत चेक कराता हूँ। मेरी हुडी की हालत जो है ना पीछे से काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ पे आप चेक कर लो भाई। तो गाइस जो मैं ऑन कैमरा हूँ ना वो मैं ऑफ कैमरा भी हूँ। बंदे मुझे मिलते हैं ना भाई वो मुझे गले लगाते हैं, बिकॉज उनको पता है वो भी स्टंट्स का नेचर कैसा है, ये हमेशा ना हक की बात करता है। क्या मेरे बाइकर भाई जो है ना उनका हक यहाँ पे छीना गया,
वो राइड्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनको वो फ्रीडम नहीं मिलती। अगर कोई बंदा अपना रोजगार कमाना चाहता है इस चीज़ की वजह से, वो व्लॉगिंग करे, थोड़े बहुत पैसे कमाए, ठीक है, वो गलत चीज़ों से बचे, उस बंदे को ना भाई उस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। हमारा कश्मीर जो है ना यूट्यूब में अभी सबसे नीचे है, ठीक है, बहुत कम यूट्यूबर्स है जिनका कंटेंट प्योर है, जिनका कंटेंट सबसे अच्छा है, वो बंदे जो है ना बेचारे ग्रो नहीं कर रहे। भाई इसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजन्स है, बट मैं आपके साथ ना एक रीज़न शेयर करूँगा। मैं आपको बताऊँ, जो व्लॉगर्स का काम है ना, जो हमारा काम है कंटेंट बनाना, व्लॉग शूट करना, वो यहाँ के भाई मीडिया वाले कर रहे हैं। उन्होंने गंद मजा के रखे, तो किसी जगह पे किसी बंदे की डेथ होती है ना, तो जो कश्मीर के मीडिया वाले हैं ना भाई, इनको शर्म करनी चाहिए, ठीक है। कुछ बंदे तो इसमें ठीक है, लेकिन कुछ बंदे जो ना न्यूज़ के नाम पे ना वो बहुत घटिया व्लॉगिंग करते हैं। तो किसी जगह पे किसी की डेथ होती है ना भाई, थोड़ा सा एहसास होना चाहिए बंदे को, भाई इनके घर में मातम है। वो जाते हैं भाई कैमराज लेके, ठीक है, वहाँ पे मूवी शूट करके आते हैं, तो फिर ना वो एक एक पार्ट अपलोड करते हैं प्रॉपर थंबनेल बना के, ठीक है, वहाँ पे कंटेंट निकालते हैं, घर आते हैं, घर में अच्छे से एडिट करते हैं, फिर डालते हैं। भाई थोड़ी सी शर्म कर लो भाई, न्यूज़ दो यार। अगर किसी जगह पे कोई इंसिडेंट होता है ना, आप उस चीज़ के बारे में सोचना है, तो दोबारा ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। पहले पहले क्या होता था भाई, पुलिस वालों से ज़्यादा ना मीडिया वालों से डर लगता था, बिकॉज मीडिया वाले जो ना वो पोल खोलते थे, वो ऐसी चीज़ें एक्सपोज करते थे ना पुलिस वालों को, उसका पता भी नहीं होता था, ठीक? उसके बाद पुलिस जो है ना वो उस पर कार्रवाई करती थी। लेकिन आजकल के मीडिया वाले मैं देखता हूँ भाई, छोटे छोटे नन्नू बच्चे हैं, ठीक है, वो माइक लेते हैं, लड़कियाँ माइक लेती हैं हाथ में, घुसे घर के अंदर, किसी जगह पर डेथ हुई, हाँ कैसा लगा, कैसे हुआ, तो भाई वो मातम में होते हैं भाई, आप जाते हो माइक्स लेकर, उसके बाद वहाँ पे सिस्टम स्टार्ट करते हो। ये बहुत गलत चीज़ है, इससे ना भाई गलत इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। फेसबुक पे मैं इतने सारे वीडियोस देखता हूँ, कोई पागल बनता है ना, कोई पागल बनता है तो आप लोग उसको शेयर करते हो, ठीक है, उसके बाद उसको मज़ा आता है, वो बोलता है कि भाई मुझे सपोर्ट मिल रहा है इस चीज़ में, वो ना फिर से पागल बनता है, ठीक है, आप लोग और शेयर करते। इस चीज़ की वजह से व्लॉगिंग जो है ना कश्मीर में ख़त्म होने लगी है। हमेशा कश्मीरी भाई का जहाँ पे भी आपको व्लॉग दिखे, अच्छा बना रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आपने सपोर्ट करना है कि वो अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अपना मोटिव जो है ना सेम है, मैं ऐसी बारिश में राइड्स पे नहीं निकल रहा, मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ भाई, मैं अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट करूँ, मेरा कश्मीर जो है ना हमेशा टॉप पे हो। तो अपने कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा मोटो व्लॉगर्स है जो मेहनत करते हैं इस चीज़ में, उन बेचारों को ना बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे राइड्स वगैरह करने में, एंड मुझे हर्ट होता है उनका, ठीक है, क्योंकि मैंने भी वो स्टेज दिया अपनी लाइफ में जब मुझे प्रॉब्लम्स होती थी। ये मशीन जो है ना भाई, इसने सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना थानों में दिया है, बट ये बाइक जो है ना आज तक अंदर कभी नहीं गई, ना इस पर एक सिंगल चालान हुआ, ठीक। तो लास्ट में ना एक ही बात बोलूँगा, जो ये न्यूज़ वाले हैं ना, इनको चाहिए भाई ये अपनी न्यूज़ चैनल्स का नाम चेंज करें, अच्छी सी व्लॉगिंग चैनल बनाए, उसके बाद जाए व्लॉग्स बनाने के लिए, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो किसी भी रीज़न से आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ओबी स्टैंड्स 19। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज बारिश थी, राइड थोड़ा बहुत छोटा हुआ, ठीक है, अच्छे से व्लॉग भी नहीं बना पाया। सो गाइस ये चीज़ें जो है ना अपने दिल में थी, मैं कल से देख रहा हूँ भाई श्रीनगर में एक इंसिडेंट हुआ, कुछ स्टूडेंट्स की भी डेथ हो गई, ठीक है, तो मुझे उस चीज़ का ना बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा ये चीज़ शेयर करते हैं, जब मैंने वहाँ के वीडियोज़ देखे ना भाई, क्या क्या लोग वहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, जाते हैं व्लॉग्स बनाते हैं, वो बेचारे मातम में। आपने उस चीज़ पर ना सेटअप उठाना है कि यहाँ पे ब्रिज हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो बात आगे पहुँचानी है। आप जाते हो भाई उनके घर, वहाँ पे ड्रामा करते हो, ये सबको पता है वो डूब चुके हैं बेचारे, उनकी जान चली गई है, उनके घर वालों को कम से कम बख्शो यार।